देखा था कि भाई जो ब्लड हैं वो कौन कौन से कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं और उनके कितने पार्ट होते हैं। तो भाई कुछ सॉलिड पार्ट होते हैं और कुछ लिक्विड पार्ट होते हैं। लिक्विड पार्ट जो होता है ब्लड का वो होता है प्लाज्मा, और जो सॉलिड पार्ट होता है वो होता है RBC, WBC और ब्लड कॉप सॉरी RBC, WBC और थ्रोम्बोसाइट्स या ब्लड ब्लड प्लेटलेट्स। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले RBC के बारे में। तो RBC जो होती हैं वो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो RBC होती हैं वो रक्त कोशिकाएं नहीं, ना होके रक्त कणिकाएं होती हैं। इनमें कोई सेंटर पॉइंट जिसे हम न्यूक्लियस या केंद्र कहते हैं वो नहीं पाया जाता। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, इम्पॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। अब जो हीमोग्लोबिन है ये काम क्या करता है और काम कैसे करता है इसके बारे में बात करेंगे। हीमोग्लोबिन एक्चुअल में होता है एक आयरन कंपाउंड, ठीक है। अब ये आयरन कंपाउंड एक ग्लोबिन नाम के जो प्रोटीन है उसके साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। हीमोग्लोबिन जैसे ही हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम जो हमारा होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं वहाँ पर पहुँच जाता है और हमारी बॉडी का जो पूरा ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको करने का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन एक्चुअल में हमारी बॉडी का जो रेस्पिरेशन सिस्टम है या जो हमारा श्वसन तंत्र है उसे कंट्रोल करने का काम करता है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि कई बार एक डिसीज़ के बारे में आपने सुना होगा जिसका नाम है एनीमिया। तो एनीमिया डिसीज़ एक्चुअल में ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाली बीमारी है। हीमोग्लोबिन कम, उसकी वजह से आरबीसी कम तो ब्लड की क्वांटिटी बॉडी में कम होगी, जो कि एक डिसीज़ है एनीमिया। एक और बीमारी आप लोगों ने सुनी होगी, सिकल सेल एनीमिया। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, ये एक जेनेटिक डिसीज़ भी है, लेकिन ब्लड से होने वाली जेनेटिक डिसीज़ है। मतलब कि इसमें जो ब्लड हमारी आरबीसी है उसका जो साइज़ है वो चेंज हो जाता है, वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता रहता है फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन। अगर हम आरबीसी के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये बनती कहाँ पर है या इसका निर्माण कहाँ पर होता है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि आरबीसी नाइदर बी रिप्रोड्यूस नॉट बी रिपेयर, मतलब कि ना तो आरबीसी को फिर से बनाया जा सकता है ना ही इसकी मरम्मत करना पॉसिबल है। अगर आरबीसी के बारे में बात करते हैं या हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं तो आरबीसी बनती है बोन मैरो में। बोन मैरो हमारी बॉडी के, हमारी जो सेल होती है, हमारी जो अस्थियां होती हैं उनके अंदर वाला भाग है। तो ये जो आरबीसी है वो बनती है बोन मैरो में और इसकी डेथ होती है स्प्लीन में, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्लीहा। अब आरबीसी का जो लाइफ साइकिल होता है वो लगभग 120 दिनों का होता है। मतलब बोन मैरो में आरबीसी पैदा होती है, बनती है और स्प्लीन में 120 दिनों के बाद आरबीसी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आरबीसी का जो साइकिल है वो कितने दिनों का होता है, लगभग 120 दिनों का होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है यहाँ पर वो ये कि ह्यूमन बॉडी में या जो डिलीवर्ड चाइल्ड हैं, डिलीवर्ड ह्यूमन हैं, उनकी बॉडी में तो आरबीसी बोन मैरो में बनेगी, लेकिन जो एम्ब्रियो फॉर्म में है, भ्रूण अवस्था में जो बच्चे होते हैं या जो नवजात शिशु होते हैं, उनकी बॉडी में आरबीसी कहाँ बनती है, उनकी बॉडी में लीवर या यकृत में आरबीसी का निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसको हमें याद रखना है। तो आरबीसी बोन मैरो में बनती है और आरबीसी का जो एंड होता है, उसका जो डेथ प्लेस है वो है स्प्लीन। सो द बर्थ प्लेस ऑफ आरबीसी इज बोन मैरो और लीवर इन एम्ब्रियो एंड द डेथ प्लेस ऑफ आरबीसी इज स्प्लीन और प्लीहा, जिसे आप हिंदी में कहते हैं। अब अगर आरबीसी के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे शेयर करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी सेंटर पॉइंट, कोई भी केंद्रक नहीं होता, लेकिन कैमल, समझते हैं सभी लोग, कैमल, ऊंट, लीमा एक ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में जो आरबीसी पाई जाती है उसमें सेंटर पॉइंट, न्यूक्लियस या केंद्रक होता है। मतलब ये एक एक्सेप्शन है और इसका एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है कि जो आरबीसीज़ होती हैं वो नॉर्मल एनिमल्स बॉडी में जो आरबीसी पाई जाती हैं उसमें सेंटर पॉइंट या न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन केवल और केवल कैमल और लीमा ऐसा एनिमल है जिनकी बॉडी में आरबीसी के अंदर सेंटर पॉइंट या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी के बारे में।
तो WBC के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो WBC सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि WBC काम क्या करती है। तो WBC और RBC का जो रेशियो है बॉडी में, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें क्या है, फ़र्क है। अगर मैं RBC के बारे में बात कर रही हूँ, तो RBC अगर 600 में है, रेशियो में है, उस कंडीशन में केवल 1% क्या पाया जाएगा, WBC। मतलब RBC और WBC का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, डिफर है, काफ़ी उसके बीच में डिफरेंस है। लेकिन WBC का काम हमारी बॉडी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो WBC प्ले करता है। WBC का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है बॉडी के अंदर जो भी हमारे बॉडी में फॉरेन जो एंटीजन प्रवेश करते हैं, जो दूसरे इन्फेक्शन्स हमारी बॉडी में आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगल हो गया, इस तरह के इन्फेक्शन से बॉडी को बचाने का काम WBC करता है। मतलब कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षी तंत्र कौन कंट्रोल करता है, WBC कंट्रोल करता है। अब अगर मैं WBC के बारे में बात करूं कि क्या केवल ये एक ही तरह का होता है, या इसका लाइफ साइकिल क्या होता है, या इसकी कहां पर ये पैदा होता है, या कहां पर इसकी मृत्यु होती है, तो इसके बारे में भी कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। WBC के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो WBC का जो लाइफ साइकिल होता है वो लगभग 10 दिनों का होता है, लगभग 10 से 12 दिनों का उसका लाइफ साइकिल होता है। ये भी बोन मैरो में ही पैदा होता है, मतलब बोन मैरो में ही इसका निर्माण होता है, लेकिन इसकी जो डेथ होती है वो ब्लड में ही हो जाती है। मतलब 10 से 12 दिन के बाद डायरेक्टली ये ब्लड में ही क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसका जो साइज होता है वो RBC के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है, और ये एक सर्कुलर टाइप, एक गोल तरह की इसकी संरचना होती है, जिसमें एक सेंटर या न्यूक्लियस भी पाया जाता है। अब WBC में न्यूक्लियस या केंद्रक जो है वो प्रेजेंट होता है। अब WBC का, जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया, तो WBC की जो सेल्स होती हैं वो एक्चुअल में केवल एक तरह की नहीं होती, बल्कि 5 अलग अलग तरीके की होती हैं। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इस तरह से 5 तरह की क्या होती हैं, इनके अलग अलग प्रकार होते हैं, और इन सभी के अलग अलग काम होते हैं। अगर हम WBC के बारे में बात करें, तो WBC में सबसे ज़्यादा जो सेल पाई जाती हैं, लगभग 60-70% वो होती हैं न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं, एक्चुअल में आप याद रख सकते हैं कि एक डिफेंस जो डिफेंस सिस्टम है वो यही कंट्रोल करती हैं, एक सैनिक की तरह, एक आर्मी ऑफिसर की तरह ये क्या करती हैं, आपकी बॉडी के जो फॉरेन एंटीजन है उनसे लड़ने का काम करती हैं। तो 60-70% आपकी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं WBC के अंडर में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट, तो ये भी 20-25% पाए जाते हैं, तो इनका काम होता है किसी स्पेशल एंटीजन को बनाने का, या किसी स्पेशल एंटीजन से लड़ने का। तो ये सारे के सारे जो आपके बॉडी में WBC के पार्ट हैं, ये आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करते हैं, और आउटर जो भी एंटीजन है उनसे लड़ने का काम करते हैं। सो कुल मिला के ये हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का, या उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम बात करते हैं लाइकेमिया या ब्लड कैंसर के बारे में, तो एक्चुअल में ब्लड कैंसर क्या होता है, ब्लड कैंसर बॉडी के अंदर WBC के नंबर का इंक्रीमेंट है। मतलब बॉडी के अंदर WBC की संख्या जब अनियमित रूप से, अप्राकृतिक रूप से बढ़नी शुरू हो जाएगी, उसे हम कहेंगे ब्लड कैंसर। ठीक है, तो ब्लड कैंसर में एक्चुअल में RBC का कोई रोल नहीं होता है, उसमें WBC सेल्स जो हैं वो क्या होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे चैप्टर पे, या दूसरे पार्ट पे, जहाँ यहाँ पर आप लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसे मैंने जब आपको ब्लड के बताए, वहाँ पे यहाँ पे आपने RBC के बारे में पढ़ा, आपने WBC के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, या जिसे हम बोलते हैं थ्रम्बोसाइट्स, इनके बारे में। तो जब अगर ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में हम बात करेंगे, तो ब्लड प्लेटलेट्स बॉडी में काफ़ी कम मात्रा में होती हैं। इनका जो साइज़ होता है वो WBC के कंपैरिजन में केवल 1/4 होता है। तो WBC का लगभग 1/4 साइज़ होता है प्लेटलेट्स का। तो दे आप साइज़ भी देख रहे होंगे, इनका साइज़ इनके कंपैरिजन में काफ़ी छोटा यहाँ नज़र आ रहा है। तो इनका जो साइज़ होता है वो WBC के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है। इनका जो लाइफ साइकिल है वो 3 से 4 दिन का होता है। इनके बारे में भी एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इनका जो बर्थ प्लेस है वो बोन मैरो है,
और आरबीसी की तरह ही ये भी कहाँ ख़त्म हो जाती हैं, स्प्लीन या प्लीहा में जाकर ख़त्म हो जाती हैं। 3 से 5 दिनों तक इनका क्या चलता है, लाइफ साइकिल चलता रहता है। अब अगर हम बात करते हैं इनके वर्किंग की, इनके काम की, तो आरबीसी का हमने काम देखा। आरबीसी क्या काम कर रहा है, हमारे बॉडी का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। हमारे बॉडी में जो भी ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने का काम है वो कौन कर रहा है, आरबीसी कर रहे हैं। फिर बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो डब्ल्यूबीसी कंट्रोल कर रहा है। तो ब्लड प्लेटलेट्स या जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ये क्या काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम जिसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमना, ये बेस्ड होता है आपकी ब्लड प्लेटलेट्स पर। अब रक्त का थक्का जमना एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हमारी बॉडी में कोई चोट लगती है और हमारी बॉडी से ब्लड रिलीज़ होता है या बॉडीज़ में आर्टरी या वेन से ब्लड बाहर आता है, उस समय 2 से 5 मिनट के अंदर हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो जम जाता है, ठीक है, ताकि ब्लड लॉस ना हो पाए। तो इसे कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमना। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए या ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका ब्लड प्लेटलेट्स। अब ब्लड प्लेटलेट्स कैसे जमती हैं, क्या डायरेक्टली ब्लड प्लेटलेट्स अपना काम कर लेती हैं, नहीं। ब्लड प्लेटलेट्स को काम करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन की ज़रूरत होती है जो कि है एक प्रोथाम्बिन प्रोटीन या जिसे आप फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के नाम से जान सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है, इसको आपको याद रखना है। तो भाई जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है या प्रोथाम्बिन प्रोटीन है, ये एक्चुअल में क्या काम कर रहा है, ये आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है। अब आपने एक और क्वेश्चन पढ़ा होगा, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, विटामिन के का क्या रोल है। एक्चुअल में ये जो प्रोटीन है प्रोथाम्बिन या फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, इस प्रोटीन को बनाने का काम करता है लीवर, और लीवर इसको बनाएगा विद द हेल्प ऑफ विटामिन के या इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। तो विटामिन के की प्रेजेंस में लीवर इस प्रोटीन को बनाने का काम करता है और ये प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। और ब्लड क्लॉटिंग होती किससे है, आपकी ब्लड प्लेटलेट से। अगर आपकी बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, जो कि एक बीमारी में होती है और ये बीमारी है डेंगू, सुना होगा आप लोगों ने। तो ये जो बीमारी है इन्फेक्शन इन्फेक्टेड बीमारी है, तो इस बीमारी में क्या होता है, बॉडी की जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, उस कंडीशन में ब्लड लॉस का खतरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आपकी ब्लड प्लेटलेट्स बॉडी में क्या काम करती हैं, बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या कर रही हैं, प्ले कर रही हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ब्लड का जो सॉलिड पार्ट है, मतलब रक्त का जो सारा का सारा ठोस भाग है, उसके बारे में हमने यहाँ बात की। एक इम्पॉर्टेंट लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, विच इज़ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड जो कि ऑलमोस्ट ब्लड का 60% होता है और इसका भी 90% क्या होता है, वाटर। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसका ये मतलब हुआ कि आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसका 50% से भी ज़्यादा पार्ट क्या है, केवल और केवल वाटर है। इस प्लाज्मा में बचा हुआ जो 10% है उसमें पाया जाता है प्रोटीन, उसमें पाए जाते हैं प्लास्टिड, उसमें पाया जाता है ग्लूकोज, और इसके अलावा भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कुछ कंपाउंड्स हैं वो पाए जाते हैं। तो बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा है या बॉडी के अंदर जो लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, ये काम क्या कर रहा है, तो आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं, जो भी हार्मोन्स हैं, जो भी विटामिन्स हैं, उनको सर्कुलेट करने का काम कौन करता है, उनको सर्कुलेट करने का काम करता है हमारी बॉडी में ब्लड का लिक्विड पार्ट विच इज़ प्लाज्मा। जो भी उत्सर्जित तत्व हैं, जो भी आपके हार्मोन्स हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉल्ट है, मिनरल्स है, वाटर, इन सब चीज़ों को ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के अंदर आप लोगों ने एक और चीज़ सुनी होगी विच इज़ सीरम। सीरम सुना है, तो सीरम क्या होता है, अगर बॉडी में प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, और वो भी कौन सा प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो हमने अभी पहले पढ़ा था, तो प्लाज्मा के अंदर से अगर फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को हटा दिया जाए तो प्लाज्मा ही आपका क्या कहलाने लगता है, सीरम कहलाने लगता है। तो अगर आपसे सीरम पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि भाई विदाउट फाइब्रिनोजेन प्रोटीन प्लाज्मा नोन एज सीरम। तो सीरम, प्लाज्मा ही सीरम होता है, लेकिन किस कंडीशन में, जब
फाइब्रिनोजेन प्रोटीन उसमें प्रेजेंट ना हो। तो यहाँ पे ब्लड के जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हमने बात की। तो इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप के बारे में तो ब्लड ग्रुप चार टाइप के होते हैं, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले जो खोज की है वो है कार्ल एंड स्टीनर ने। उन्होंने सबसे पहले तीन ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। ऐसे इंसान जिनकी बॉडी में आरबीसी जो पाई जाती हैं उन आरबीसी में ए प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट है उनका ब्लड ग्रुप है ए। जिनकी बॉडी में बी प्रकार का एंटीजन आरबीसी पर प्रेजेंट है उनका ब्लड ग्रुप होता है बी। और जिनकी बॉडी में दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट हैं उनका ब्लड ग्रुप होता है ए बी। और ऐसे कोई लोग जिनकी बॉडी में कोई भी एंटीजन नहीं है उनका ब्लड ग्रुप होता है एच एल में जीरो, या जिसे आप ओ ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ब्लड ग्रुप एक्चुअल में दो चार आठ अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ए बी और ओ देखा है, उसी तरह से ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, और ये चारों के चारों ही नेगेटिव, मतलब कि ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। तो इस तरह से नॉर्मली आपके आठ ब्लड ग्रुप होते हैं जो आपको याद रखने हैं। अब बॉडी में जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो काम कैसे करते हैं। हमारी बॉडी में एक जो हमारी आरबीसी होती है, हमारी जो लाल रक्त कणिका होती है, उसके ऊपर जो एंटीजन पाया जा रहा है एक्चुअल में ब्लड ग्रुप हमारा कौन सा होता है वही होता है। अब जो एंटीजन हमारी बॉडी में पाया जा रहा है उसका जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी हमारी बॉडी क्या कर लेती है, क्रिएट कर लेती है। मतलब कि अगर हमारी बॉडी में ए एंटीजन है तो हमारी बॉडी में हमारी जो एंटीबॉडी बनेगी वो बी बनेगी। यदि हमारी बॉडी में बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए बनेगी। जब हमारी बॉडी में ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन है तो किसी भी एंटीबॉडी के बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब हमारी बॉडी में ओ एंटीजन है, सॉरी मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी में ए और ए बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाएंगी, दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज बन जाएंगी। इस कंडीशन में आपको याद रखना है कि कभी भी ए और ए एंटीजन एंटीबॉडीज आपस में मिलनी नहीं चाहिए। अगर ये मिल जाती हैं तब क्या होगा, तब ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, जुड़ जाएगा, और जिस कंडीशन में इंसान की हेल्थ पर या उसकी हेल्थ पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अगर मैं बात करती हूँ ब्लड ग्रुप ए के बारे में, तो ब्लड ग्रुप ए वाला जो व्यक्ति होगा वो केवल ब्लड ग्रुप ए वाले से ब्लड ले सकता है या ब्लड ग्रुप ओ वाले से ब्लड ले सकता है। अगर मैं ब्लड ग्रुप बी के बारे में बात करूँ तो ब्लड ग्रुप बी वाला जो पर्सन है वो बी वाले से तो ब्लड ले सकता है और ओ वाले से भी ब्लड ले सकता है। अब ओ से सारे ब्लड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ओ में किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अब ए बी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ए बी में ए एंटीजन भी है, इसलिए ये ए से भी ब्लड ले लेगा, बी से भी ब्लड ले लेगा, ओ से भी ले लेगा और ए बी से भी ले लेगा। अब अगर मैं ओ से बात करूं, ओ के बारे में बात करूं, तो ओ जो ब्लड ग्रुप है वो केवल ओ ब्लड ग्रुप वालों से ही ब्लड ले सकता है। मतलब ओ दे सब कुछ सकता है लेकिन ले केवल किससे सकता है, ओ से सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है जो आप लोगों ने सुनी भी होगी, आर एच फैक्टर, या ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं। तो देखिएगा, मान लीजिए हमारी आर बी सी है, इस पर एक एंटीजन है। अब जो भी एंटीजन है, मान लीजिए ए एंटीजन है या मान लीजिए बी एंटीजन है या दोनों एंटीजन है, तो उस हिसाब से हमारा ब्लड ग्रुप हो गया। और इसके अपोज में एक हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली है, वो हमारी बॉडी के अंदर है। अब अगर इसमें कोई डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीजन प्रेजेंट है जिसका नाम दिया गया आर एच, क्योंकि कार्ल एंड स्टीनर ने 1940 में और उनके साथ वीनर ने भी, तो कार्ल एंड स्टीनर और वीनर ने 1940 में एक अलग तरह के एंटीजन की बॉडी में खोज की है जिसका नाम उन्होंने रखा है आरएच फैक्टर, क्योंकि रीसस नाम के मॉन्की पे सबसे पहले इसको ढूंढा गया था, इसको चेक डिस्कवर किया गया था। तो जिन भी पर्सन की बॉडी में, जिन भी ह्यूमन की बॉडी में, जिस भी एनिमल की बॉडी में ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है वो हो जाते हैं आरएच पॉजिटिव, और जिनकी भी बॉडी में ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है वो हो जाते हैं आरएच नेगेटिव। तो अगर किसी इंसान की बॉडी में
ये एंटीजन प्रेजेंट है तो दे आर आरएच पॉजिटिव, और जिनकी बॉडी में नहीं है वो है आरएच नेगेटिव। अब बात करते हैं वापस यहाँ पे कि भाई कौन किसको ब्लड दे सकता है। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो पॉजिटिव वाला जो पर्सन है वो पॉजिटिव वाले पर्सन को ब्लड ग्रुप दे सकता है, नेगेटिव वाला जो पर्सन है वो नेगेटिव वाले को दे सकता है, लेकिन एक पॉजिटिव वाला जो पर्सन है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड नहीं दे सकता। उस कंडीशन में भी क्या होगा, एक डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीजन बॉडी में प्रेजेंट प्रवेश कर जाएगा या एंटर हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। लेकिन जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है वो एक पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो ए बी पॉजिटिव जो होगा वो पॉजिटिव वालों से तो ब्लड ग्रुप ले ही लेगा, साथ ही साथ पॉजिटिव नेगेटिव सभी से ब्लड ग्रुप ले लेगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव दो ब्लड ग्रुप हैं, उनमें से ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रिसीवर बन जाएगा। मतलब ये हर प्रकार के ब्लड ग्रुप से क्या कर सकता है, ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, ब्लड रिसीव कर सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल डोनर के बारे में या सार्वत्रिक दाता के बारे में, तो यूनिवर्सल डोनर जैसे अगर मैं पॉजिटिव के बारे में बात करूं तो ओ पॉजिटिव केवल और केवल पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वालों को ही ब्लड ग्रुप दे सकता है, लेकिन ओ नेगेटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो पॉजिटिव वालों को तो ब्लड ग्रुप दे ही सकता है, साथ ही साथ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि जो ओ नेगेटिव है ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर। तो आपको ए बी और ओ तो पता ही थे पहले से, लेकिन अगर आप उसको और ज्यादा डिटेल में याद रखना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि ए बी पॉजिटिव जो होगा वो यूनिवर्सल रिसीवर है और ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, तो ब्लड का जो चैप्टर है हम यहां पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।